हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बड़ी मुश्किलों से मुझे अब्दुल माजिद भट्टी साहब मिल गए। मैंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और इनसे कुछ, पिछले कुछ 3-4 दिन से मैं इनकी जो है ना वो वीडियोस देख रहा हूँ, काफ़ी ये छाए हुए हैं यूट्यूब पे। तो मैंने कहा ज़रा इनसे सवाल करूँ ना, बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे थे और कुछ खबरें भी थी जो इनसे पूछनी थी, कन्फर्म करनी थी। तो भट्टी साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साजिद भाई, कैसे हैं सर? जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप बताएं कैसा गुजर रहा है लॉकडाउन? अल्हम्दुलिल्लाह सर, घर में बैठे हुए अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मतलब काफी टाइम के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। आप बताएं आपका कैसा चल रहा है? बस हमारा तो मिस है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कामकाज के लिए बाहर निकलना होता है, लेकिन एक ऑफिस का काम जो है वो घर से बैठ के कर रहे हैं। जबरदस्त, अच्छी बात है। तो कोई क्या खबरें हैं आज की? अजहर अली ने क्या बोल दिया सर? भाई अजहर अली से बेसिकली तो देखिए, क्रिकेट बोर्ड चूंकि दुनिया भर में खेल तो हो नहीं रहे, तो वो पांचवें छठे दिन कोशिश करता है कि किसी एक प्लेयर या बोर्ड ऑफिशियल को मीडिया के सामने ले आए, ताकि मीडिया के भी थोड़ी दुकान चलती रहे। लेकिन अजहर अली ने दो तीन बातें मेरे हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट की। एक तो उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि क्या मिसबाउल हक की मौजूदगी में आप एक बाइख्तियार कप्तान हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बाइख्तियार कप्तान हूं और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और उसने कहा कि बेसिकली मेरी उनसे केमिस्ट्री मिलती है। पास में वकार यूनुस जो थे, चूंकि वकार यूनुस बड़े प्लेयर थे, तो मेरे ख्याल में बड़े प्लेयर्स के साथ ईगोज का इशू होता है। मिसबा भी बड़े हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मिसबा जो है वो ठंडे मिजाज के इंसान है, तो उनसे जो इंटरेक्ट करना है वो ज्यादा आसान है। फिर जो दूसरा पॉइंट अजहर अली से डिस्कस हुआ, मेरे ख्याल में वो जो एक आम आदमी सोचता है कि भाई आप भी डिफेंसिव हैं और मिसबा उलग भी डिफेंसिव है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह आपको इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं डिफेंसिव नहीं हूं, क्योंकि यूई में अगर पाकिस्तान की टीम कोई टेस्ट मैच खेल रही है तो उसमें 4 स्लिप के साथ तो फील्डिंग नहीं ली जा सकती। तो उन्होंने कहा कि ये तासर गलत है कि मैं डिफेंसिव कप्तान हूं, मैं एग्रेसिव कप्तान हूं, लेकिन मसला है कि मेरे पास जो प्लेयर्स की लॉट है ये वो लॉट नहीं है जो 90s में ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैग्रा और शेन वॉन वाली बॉलिंग लाइनअप थी, जो खुद ही फील्डिंग खड़ी कर देते और 2-3 स्पेल में सामने की टीम को आउट कर देते थे। लेकिन जिस बात का उन्होंने एतराफ किया, उन्होंने इस बात का एतराफ किया, देखिए मीडिया और खासतौर पर मैं बहुत महीनों से बल्कि बहुत सालों से ये चीज डिस्कस कर रहा था, 1.5-2 साल से, कि जो नीज के इशू हैं उसकी वजह से अजहर अली की परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है। तो आज उन्होंने भी एतराफ किया कि जो घुटने की तकलीफ है उसकी भी एक वजह है कि अजहर अली की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसमें फर्क आया। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि बॉल तो बैट पे मिडल हो रहा था लेकिन लक मेरा फेवर नहीं कर रहा था। लेकिन जाते जाते फिर उन्होंने चौथी जो इम्पोर्टेंट बात की, जो यकीनी तौर पर आपके सुनने वालों के लिए और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मेरा वनडे क्रिकेट में वापसी का कोई चांस नहीं है, एक ही फॉर्मेट पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। यानी उनको ये समझा दिया गया है कि बस आपने टेस्ट तक ही रहना है, ओडीआई में आपकी नहीं है गुंजाइश। मेरे ख्याल में देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में जो 2 सीरीज हुई, श्रीलंका की और बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान टीम का क्रेडिट तो कोई नहीं छीन सकता कि उन्होंने दोनों से एक एक टेस्ट मैच जीता। सही है, लेकिन देखा ये जाता है कि आपकी अपोजिशन कौन थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम स्ट्रगल करते रहे और जो पास्ट में हमारी हिस्ट्री रही है, इस बार भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। लेकिन टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में अजहर अली ने कहा कि हमारी बॉलिंग ना तजर्बाकार थी, कभी कहते हैं कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं गई, तो मेरे ख्याल में सीनियर बैट्समैनों को जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी। लेकिन अगर आप देखेंगे शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज को जो कमबैक करवाया गया, तो ये कमबैक अगर ऑस्ट्रेलिया में करवाया जाता
तो फिर दूध का दूध पानी का पानी पता चलता, हालांकि T20 फॉर्मेट में दोनों खेलते हैं, लेकिन इफ एंड बट्स तो बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, बल्कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, खेल के मैदान तो वीरान पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के फ्रंट पे खबरें जो हैं वो तो डेली जनरेट हो रही हैं। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी का एक और मीडिया रिलीज आया कि उमर अकमल केस में पीसीबी ने बाजाबता तौर पर एक ट्रिब्यूनल फॉर्म कर दिया है, जस्टिस मीरा चौहान, ये पास में भी पीसीबी के मुख्तलिफ केसेस को देखते रहे, अब उनके सुप्रीम कर दिया है कि वो उमर अकमल की किस्मत का फैसला क्या करते। अच्छा चलें, ये तो अब उमर अकमल की किस्मत का फैसला आने में तो अभी देर है। मुझे ये दो आपसे चीजें डिस्कस करनी है, एक सीनियर बॉलर्स के हवाले से और एक हफीज और शोएब मलिक के हवाले से। तो पहले कौन सी बात करें? जो आप चले, आप पहले सीनियर, पहले सीनियर बॉलर्स की बात कर लेते हैं, जो के जो वकार भाई ने एक आपके साथ ही वो एक सेशन जो हो रहा था उसमें वकार ने बोला आमिर और वहाब के बारे में। तो जब आमिर और वहाब जाहिर निकल गए तो फिर अब आपके पास सीनियर बॉलर्स की कमी तो है, बट आपको नहीं लगता कि अब जो वकार यूनुस ने जो बात की थी आमिर और वहाब के हवाले से वो काफी लेट हो गई है? वो बात करने की कोई मतलब टाइम बचा नहीं उस बात का? ऑलरेडी जा चुके वकार यूनुस, आप देखेंगे दुनिया के क्रिकेटिंग ग्रेट्स में उनका शुमार होता है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात तो बिल्कुल पुरानी थी, लेकिन उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना वो काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वकार यूनुस ने कहा कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुश्किल सीरीज से पहले धोखा दिया। मेरे ख्याल में बात तो बिल्कुल उन्होंने सच्ची कही है कि जब आप एक प्लेयर पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, साला साल की पाकिस्तान की मेहनत और मोहम्मद आमिर की तमाम तर मुखालिफतों के बावजूद क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे खड़ा हो गया, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद उसका कमबैक करवाया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं और अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो मुश्किल सीरीज है उसमें तो आप भाग गए, दुनिया में लीग तब खेल रहे हैं जहां पर पैसा मिल रहा है। तो मेरा ख्याल में ये च्वाइस फिर इदारों के पास होनी चाहिए। और मोहम्मद आमिर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी बात नहीं थी कि मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रहे हैं कि मैं T20 क्रिकेट खेलूंगा, वनडे क्रिकेट खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मेरा ख्याल में अगर इदारे कमजोर हो जाएं, इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, तो फिर तो क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन वकार यूनुस ने लेट बात की है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं तो वकार यूनुस को फेवर करूंगा कि उन्होंने एक बिल्कुल दिल की बात कही है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा सा घबरा गया कि वकार यूनुस इतनी सख्त बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही बात करनी चाहिए थी। अच्छा भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि चले आमिर का तो एक अलग ही केस है, और वो ठीक है, वो शायद वहाब रियाज के मुकाबले में शायद थोड़ा बेहतर परफॉर्म भी कर लेता अगर होता। वहाब रियाज का आप समझते हैं कि वहाब रियाज को उतने चांसेस बाद में मिल रहे थे जितने उसको मिलने चाहिए? वो तो ऑलरेडी टीम से बाहर ही था, किसी एक काट सीरीज के लिए आता था उसके बाद फिर चला जाता था, तो वो उसका रहना ना रहना मैटर करता था? देखिए वहाब रियाज, अगर आपको याद हो अब तकरीबन एक साल हो गया वर्ल्ड कप की टीम में, बल्कि जो इंग्लैंड टीम गई थी उसमें वहाब रियाज नहीं थे, वर्ल्ड कप से कुछ हफ्ते पहले वहाब रियाज ने अचानक एंट्री दी वर्ल्ड कप में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन वहाब रियाज जैसे सीनियर बॉलर की जरूरत तो हमें पड़ती है। अगर आप दुनिया में ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो टेस्ट क्रिकेट बॉलर्स खेलते हैं, आज भी अगर आप इंग्लैंड की टीम का नाम लेंगे तो फौरन आपके जहन में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आएगा, कि उनके सीनियर बॉलर हैं, दोनों के 300-300 विकेट हैं और दोनों जो हरीफ टीम है उनको रन थ्रू करते हैं और अपनी टीम को साला साल से टेस्ट मैच जितवा रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हमारे जो सीनियर बॉलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्व भी किया, उनकी खिदमात भी है, लेकिन अपनी मर्जी का फॉर्मेट तो नहीं खेल सकते? फिर देखें अब क्रिकेट बोर्ड को और खासतौर पर वकार यूनुस चुके बॉलिंग कोच हैं, इसलिए उन्होंने हिम्मत पकड़ी कि ये जो यंगस्टर आ गए ना, हसनैन पहले खेलते थे, बाद में नसीम शाह आ गए, उसके बाद उस्मान चिनवर आ गए, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की,
उससे आमिर और वहाब रियाज का केस खुद ब खुद कमजोर हो गया। हमारे पास और भी पीएसएल में नजर आए, तो मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलना चाहता है तो फिर क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के पास ये ऑप्शन तो मौजूद होना चाहिए कि वो फिर ऐसे लड़कों को बीच में खुदाफिज कह दें कि ठीक है आप खेले जाके फॉरेन लीग, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम नए लड़कों के साथ जाते हैं। और देखें जो होम सीरीज थी बांग्लादेश और श्रीलंका की, नसीम शाह और उस्मान चिनवारी ने, और उस्मान चिनवारी के अलावा शाहीन आफरीदी ने, शाहीन शाह आफरीदी ने प्रूव करके दिया कि हम टेस्ट फॉर्मेट के अच्छे बॉलर हैं। तो लिहाजा ठीक है, मोहम्मद आमिर अगर अपनी मर्जी का फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, वहाब रियाज अपनी मर्जी का फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, अपने कम्फर्ट जोन की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भी, मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भी अब जहन बना लिया है कि नए प्लेयर्स के साथ जाएंगे, इनको यहीं पे खुदाफिज कह देंगे। नहीं, उसके बाद ही मिस्बा ने भी रिएक्शन दे दिया था, जब मिस्बा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात दबे अल्फाज में कही थी, खुल के नाम नहीं लिया था, लेकिन मिस्बा ने भी इन दोनों को मतलब खुश नाखुशी का ही इजहार किया था इन दोनों के जाने पर। तो चलें अब आ जाते हैं हफीज और शोएब मलिक के बारे में, जो बयान दिया रमीज राजा साहब ने, आप वहां मौजूद थे। अब उसके बाद वो एक ट्विटर पे जो है एक दोनों तीनों का एक बैटल शुरू हो गई है अल्फाज की, एक वो क्या सिलसिला है, आपने कुछ देखा आपने? जी हाँ, मैं बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा हूँ। देखिए रमीज राजा का ये आज का स्टांस नहीं है, जब ये वापस आए थे बांग्लादेश की सीरीज में रमीज राजा ने उस वक्त भी यही बात कही थी। मैं भी देखें इसके फेवर में हूँ कि भाई अगर इनको आपने कमबैक करवाना था तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ट्राई करने की जरूरत थी। लेकिन प्लेयर्स को, अब हम लोग एक्सपर्ट है ना, हम कोई भी राय दे रहे हैं, ये हमारी जाती राय है, कई बार हम गलत साबित होते हैं, कई बार हमारी बात दुरुस्त साबित हो जाती है। लेकिन प्लेयर्स को मुंह से जवाब नहीं देना चाहिए, उनका जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस है ना, वो उनका जवाब है। और वक्ती तौर पर चाहे बांग्लादेश की टीम कमजोर थी, एक मैच शोएब मलिक ने जितवाया, एक मोहम्मद हफीज ने जितवाया, लेकिन अभी तो इश्क के इंतहा और भी थे। मेरे ख्याल में रमीज राजा ने अपने लिहाज से बात ठीक की, उनका रिएक्शन भी फितरी था, लेकिन मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि प्लेयर अपनी इनिंग्स का इंतजार करे, जब उसको ग्राउंड में मौका मिले वो परफॉर्म करे, और फिर कहें कि जी देखें फला साहब ने हमारे बारे में ये कहा था और हमने उसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया। दुनिया में ऐसे करेक्टर्स हैं, लेकिन मैं जितना शोएब मलिक को जानता हूँ, आपको पता है कि मेरा शोएब मलिक से अच्छा खासा ताल्लुक है, शोएब मलिक रिएक्ट करने वाले हैं नहीं, लेकिन ये जो प्लेयर्स के एजेंट है ना, मुझे लग रहा है यहाँ भी हो सकता है कि मेरा जो अंदाजा है वो गलत हो, लेकिन शोएब मलिक को किसी और ने कहा होगा कि आपको जवाब देना चाहिए, हालांकि उन्होंने एक लाइटर मोड में बड़ा पोलाइटली थोड़ा, लेकिन तंजिया अंदाज भी था। वो दोनों बातें कर रहे थे, कहते ना कि एक गाल पे आप थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को फैला रहे, वो उनका स्टाइल था। लेकिन आज जो रमीज राजा ने उनको जवाब दिया वो फिर काफी हार्श था। जाहिर है रमीज राजा भी देखें बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, दुनिया में उनकी स्टैंडिंग है और सोशल मीडिया पर हर वक्त वो एक्टिव रहते हैं, इंटरनेशनली उनकी जो राय है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है, एमसीसी की क्रिकेट कमेटी में है, आईसीसी में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पीसीबी के सीईओ भी रह चुके हैं। तो मुझे, मेरा ख्याल था कि शोएब मलिक और हफीज को इस बाउंसर को डक कर देना चाहिए था, लेकिन हफीज देखिए ऑलरेडी एक और फ्रंट खोल चुके थे, पहले उन्होंने शकील खान का फ्रंट खोला, फिर उन्होंने मिकी आर्थर के खिलाफ बात की, फिर मिकी आर्थर ने उनको जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अब जिम्मेदारी आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चूंकि ये इन दोनों प्लेयरों का बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन जाहिर है नेशनल टीम के प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड इनको खामोश करवा देता, क्योंकि जब क्रिकेट नहीं हो रही अब गैर जरूरी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, तो मीडिया को तो मसाला चाहिए,
तो मसाला तो खुद ब खुद प्लेयर्स की तरफ से आ रहा है। बल्कि बल्कि अभी मैं देख रहा था शाम में रमीज भाई की एक और ट्वीट आई हुई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उनकी जो दो ट्वीट्स थी जो उन्होंने शोएब मलिक और हफीज के बारे में की थी वो दोनों ट्वीट्स गायब हो गई हैं, और उनका ये कहना है कि वो मैंने डिलीट भी नहीं की और फिर भी वो दोनों ट्वीट्स गायब हो गई हैं। तो उनका ये ख्याल है कि शोएब मलिक का इस वक्त जो मैनेजर है जो साहब, वो किसी जमाने में रमीज भाई के साथ हुआ करते थे और उन्होंने रमीज भाई का ट्विटर अकाउंट बनाया था। तो मतलब उन्होंने ये इनडायरेक्टली कहा है कि शायद इस वजह से वो ट्वीट्स गायब हो गई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं पूछूंगा कि वो दोनों ट्वीट्स कहाँ गई मेरी, वो मिलनी थी। तो फिर मैंने जब उस ट्वीट पे रमीज भाई की जो तीसरी ट्वीट आई हुई थी उस पर मैंने कमेंट करने की कोशिश की तो उस पर कमेंट हो नहीं सका, तो ऐसा लगा कि शायद ये ट्वीट भी गायब हो गई है या पता नहीं, क्योंकि उनके ट्विटर प्रोफाइल पे वो तीसरी ट्वीट भी नजर नहीं आ रही। तो अब देखना है कि आगे इसका कोई जवाब आता है शोएब मलिक या ऑफिस की तरफ से या पीसीबी इंटरफेयर करता है इसमें कि नहीं। बहरहाल रमीज भाई बहुत कम ऐसी चीजों में कूदते हैं, अब वो कूद गए तो देखें कहां तक लेके जाते हैं चीजों का। अच्छा भट्टी साहब, अब जब ट्विटर की बात हो ही रही है तो अभी मैं पिछले दिनों जो आपने दो तीन वीडियोज आपके आए मुख्तलिफ लोगों के साथ, उसमें एक बात मैंने नोट की कि आप जो इस वक्त नौजवान जो ये जो जर्नलिस्ट हैं या ट्विटर पे जो लोग काफी एक्टिव हैं क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, आप उनसे कुछ नाराज से लगे मुझे। नहीं, नाराज नहीं, वो बात ये हो रही थी एथिक्स की। तो सारे नौजवान एक जैसे नहीं है, लेकिन चंद या अक्सरियत आप कह लें। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि हम जिस प्रोसेस से गुजरे, हमने ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए, शायद वो एकदम से बड़े इदारों में आ गए, बड़े चैनल में आ गए, तो वो एथिक्स उनमें नजर नहीं आती। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अगर आप और किसी सीनियर से बात करेंगे ना, वहीद खान से ये बात करेंगे, शायद आशमी से करेंगे, अब्दुल रशीद चकूर से बात करेंगे, इवन जो लोग अब जर्नलिज्म से स्विच कर गए, कोई किसी इदारे में चला गया, कोई कहीं चला गया, तो वो चीजें नौजवानों में है नहीं। वो गैर जरूरी तौर पर चलती हुई बस पे सवार हो जाते हैं, लेकिन नौजवानों में बहुत काबिल और बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये बहरहाल एक ओवरऑल जो सीनियर में एक तासुर है कि नौजवान जो हैं वो थोड़ा सा मेरे ख्याल जल्दी में नजर आते हैं। और देखिए, दुनिया में हर कंट्रोवर्सी खबर नहीं होती, कई बार आप इंतजार करते हैं आपको बहुत अच्छी खबर मिल जाती है, अननेसेसरी खबर बना के वक्ती तौर पर उसमें अगर माइलेज हासिल करने की कोशिश की जाती है। हमें तो देखें साकिब भाई, उस्तादों ने ये नहीं बताया, हमने तो जिन उस्तादों के साथ काम किया वो जरा डिफरेंट लोग थे, या वो जाहिर वो इतनी तेजी वाला दौर नहीं था, स्लो दौर था, अखबार का दौर था। अच्छा, टीवी ने आके थोड़ी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपको ये नहीं लगता है कि आप लोग का जो टाइम था उसमें आप लोगों को स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ी, और अब जो नए जो लड़के लड़कियां हैं उनको उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, शायद इस वजह से भी वो लोग आपको समझ में नहीं आते कि आप लोग जब अपनी स्ट्रगल देखते हैं और उस वक्त का मीडिया या उस वक्त की जो भी एक्सपोजर था आप लोगों का वो देखते हुए अब देखते हैं तो अब आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत सब कुछ ईजी हो गया है, कोई भी आदमी, सबकी एक्सेस ट्विटर पर है, सब जो है वो यूट्यूब पे बैठ के कोई भी एनालिस्ट बन जाता है मेरे जैसा आदमी, या ट्विटर पे अपनी जो है वो बैठ के एनालिसिस देना शुरू कर देते हैं लोग, तो इस वजह से भी शायद आपको ऐसा लगता है कि अब इजी हो गई हैं चीजें। देखिए, चीजें इजी तो नहीं हुई, लेकिन आजकल जो हाईटेक दौर है इसमें खबर का हुसूल जो है वो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आज से 18-20 साल पहले शायद मैं घर में बैठकर ये ऑफिस का काम नहीं कर सकता जो आज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये जो उस दिन एक डिस्कशन हुई उसमें रमीज राजा और वकार यूनुस, ये देखें दोनों बहुत बड़े नाम है, क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं और दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं। रमीज ने उस दिन कहा कि अगर पीएसएल का मैच चल रहा हो और आप प्रेस बॉक्स में चले जाएं तो
90-95% लोग जो हैं वो तो ग्राउंड की तरफ पीट करके आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अगर किसी से स्कोर पूछ रहे तो नहीं, क्योंकि ये चीज तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। मैं जाहिर है मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कई दफा आप लोगों के साथ प्रेस बॉक्स में मौजूद रहा हूँ, स्पेशली जब यूएई में जब पीएसएल चल रहा होता था तो मैं आप लोगों के साथ ही बैठा होता था, हालांकि मेरा वहाँ कोई काम नहीं होता था, सिर्फ मैच देख रहा होता था बैठ के वहाँ पर। बट मैंने ये चीजें तो मैंने देखी है कि वो एक अलग ही माहौल होता है, 3-4 लोगों के अलावा जो काम में अपने बिजी होते हैं, बाकी लोग कुछ लोग जो है वो मस्तियां भी कर रहे होते हैं। खैर, तो ये जाहिर सी बात है, ये तो भट्टी साहब एज के साथ भी कुछ चीजें चलती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी उसी वाली उससे बात निकाल रहा हूँ मैं, कि उसी में बात हो रही थी आप लोगों का जो आपस में जो जर्नलिस्ट का आप लोगों का एक सेशन चल रहा था, उसमें बात हुई कि रावलपिंडी का मीडिया काफी होस्टाइल है, और आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त थी? शकील शेख साहब की तरफ इशारा तो नहीं था उनका? नहीं, शकील शेख तो देखें इस वक्त शेख साहब तो इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर हो गए, जब से सेठी साहब गए बिल्कुल गायब हो गए, आइसोलेटेड हैं इस वक्त। लेकिन वो आपने दुबई का प्रेस बॉक्स तो देखा हुआ है, पिंडी का जो प्रेस बॉक्स नया नहीं, पिंडी का मैसा नया नहीं आपने देखा? नहीं देखा अभी, मैंने भी अभी पीएसएल में देखा, बहुत बड़ा प्रेस बॉक्स है, दुबई के प्रेस बॉक्स से भी बड़ा है, बहुत अच्छा बना है, सही है। तो जाहिर देखिए वहां भी सब हैं हमारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक है, लेकिन पिंडी के प्रेस बॉक्स में भी ये होता है कि प्रेस बॉक्स के आगे जो बालकोनी बनी हुई है वहां पर हर थोड़ी देर बाद कोई सेल्फी बना रहा है, कोई वहां खड़ा हुआ गप्पे लगा रहा है। तो ये ओवरऑल हमारे एक कल्चर का हिस्सा है कि काम करने वाले चंद लोग हैं, बाकी जो दावा तो करते हैं लेकिन जॉय राइडर्स की तादाद जो है वो ज्यादा है। बल्कि उस दिन तो रमीश भाई ने ये भी कहा कि लोग तो इसके इंतजार में रहते हैं कि कब समोसों का दौर शुरू हो जाए तो हम खाने पीने लग जाए, कब लंच खुल जाए, कब डिनर खुल जाए। तो देखें अब ये दूसरे लोग भी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर जब हम बाहर के मुल्कों के प्रेस बॉक्सेस से अपने प्रेस बॉक्स को कंपेयर करते हैं तो वो लोग मेरे ख्याल में हमारे मुकाबले में ज्यादा प्रोफेशनल। वो सेल्फीज की जो आपने बात की वो तो खैर मैंने भी ट्विटर पे जब ये पिंडी वाला टेस्ट मैच चल रहा था तो काफी मैंने भी देखी वो सेल्फीज और प्रेस बॉक्स की गैलरी की सेल्फीज, और वहां से कुछ यूट्यूब के शोज भी हुए लोगों ने किए, तो वो तो मैंने खैर बिल्कुल देखा। तो मुझे ये बताएं भट्टी साहब, अब ये जो जर्नलिस्ट की बात हो रही है, क्या वजह है कि आप लोगों का जो एक पूरा ग्रुप है जिसमें आप हैं, वहीद भाई हैं, इकबाल भाई हैं, रशीद भाई हैं, शाहिद भाई हैं, आप लोगों के टाइम के ये तमाम लोग वो हैं जो कराची के ही हैं, जैसे समी भाई भी हैं, अब वो वहां चले गए पीसी में, किसी और शहर के लोग आप लोगों के टाइम के कहीं नजर नहीं आते मुझे? नहीं, चंद एक लोग हैं, जैसे पिंडी में अगर आप देखें जो जी एक है, रिजवान एहसान अली दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है एपी, उनके लिए काम करते हैं। फिर द न्यूज में एक होते हैं अब्दुल मुईशा, मुईशा साहब भी पुराने हैं, सीनियर हैं। लाहौर में हमारे सोहेल इमरान उसके तो नहीं है ना टाइम के, हाँ, लेकिन मतलब अच्छे और प्रोफेशनल जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है। उमर फारूक कौलसन यंगर लॉट आ गए ना, उमर फारूक तो जाहिर है अभी आप लोगों से तो बहुत ही जूनियर है। मैं बात करूं आप लोगों के टाइम के जो जितने भी लोग हैं वो सारे कराची के हैं, मुझे और कहीं का कोई नजर, जैसे आलिया भी है जाहिर है पिंडी में है आलिया, लेकिन आलिया का मुझे ये नहीं पता कि उनका और आप लोगों का एरा सेम था या वो आप लोगों के बाद की है। सेम एरा, आलिया ने भी कराची से ही अपनी जर्नलिज्म शुरू की, हमारे साथ ही की, ठीक है। तो उसके बाद आलिया पहले लाहौर चली गई, फिर जब राणा साहब से उनकी शादी हुई राणा जवाद से, तो उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद मूव कर गए। ठीक, चलें अब आ जाते हैं असल। आपने, मैंने वो देखा कल आपका शो जो राशिद भाई के साथ आपने किया, उसमें से मैंने एक चीज निकाली थी और वो आपसे पूछनी बहुत जरूरी है। आपने बात की थी रजा खान साहब की, अभी ये थोड़ा सा इस मीडिया वाले इश्यू को मैं वाइंड अप कर दूं। जी, देखें राजीव भाई, ये मेरी खालिस्तन पर्सनल राय है
मैं नहीं समझता कि हो सकता है कि कुछ लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन एक उसमें और भी एक पहलू है कि एज ए सीनियर मेरी ये भी कोशिश होती है कि जूनियर से बहुत ज्यादा हेड ऑन होने की कोशिश ना करूं, क्योंकि हो सकता है कि कल वो आपसे उलझ जाए। कुछ हमारे दोस्त, मैंने ये सीन देखे हमारे कराची के एसएस स्टेडियम के प्रेस बॉक्स में, कि वो फिर एकदम से हमलावर होते हैं सीनियर्स पे। तो लिहाजा अपनी इज्जत, हाँ बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल अपनी इज्जत इसी में है कि आप अपना साइड पकड़ लें, किनारे पे रहें। लेकिन एक हमारी राय है, कोई उससे इख्तलाफ करे, कोई उसके हामी भरे, लेकिन भट्टी साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे ये बताएं कि अभी आप लोगों के ही मैं वो जो देख रहा था वीडियो, उसमें एक बात ये चल रही थी कि जी अब जो नए बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, लड़के लड़कियां जो यंगर लॉर्ड है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है उनकी। आप लोगों की जाहिर है स्ट्रगल डिफरेंट थी, फिर ये भी एक बात की गई कि जी बैकग्राउंड डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं एजुकेशनल, वो सब लोग जो है वो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड या उनके पास डिग्रीज वो वाली नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग आ जाते हैं। तो क्या आप लोग एज सीनियर, जितनी आप लोगों की लॉट है, क्या आप लोगों ने कभी कोई कोशिश की कि आप लोग सारे मिलके कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहां पे आप इन यंगर लॉट को ट्रेन कर सकें?